आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 जोग्राफिया 316 के नोट्स। ये मेरा फ़ोन नंबर है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है। नोट्स वगैरह चाहिए, TA में प्रैक्टिकल और हेल्प बुक चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो पहला सवाल है, किसी जगह की आबो हवा को मुतासर करने वाले अवामिल की वजाहत करें। अवामिल अमल की जमाया, मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जो किसी जगह की आबो हवा को मुतासर करती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आज उनमें से हम चंद चीज़ों को पढ़ेंगे जो बताएँ। फतेह उस्तवा पर अर्जुल बलद या फासला, सतह समुंदर से ऊंचाई, बर्र आज़म या समुद्र से दूरी, बादल का अहाता, समुद्री धारे, मतलब समुद्र से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। आप देखें जो समुद्री इलाके होते हैं अक्सर वहाँ पर क्या होता है, मौसम ठंडा रहता है। जैसे मुंबई है तो जो उससे सटे हुए इलाके होंगे, मिले हुए इलाके होंगे, वो अक्सर क्या होंगे, उससे मिले हुए इलाके वहाँ पे जो है ठंडक ज़्यादा होगी क्योंकि समुद्र के किनारे पर है, ठीक है, या समुद्र से ऊंचाई पर है तो वहाँ पे भी जो है आबो हवा को मुतासर करते हैं। पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की आबो हवा अलग होती है। अब दूसरा सवाल जो आता है हमारे पास वो ये आता है कि आबो हवा और मौसम में फ़र्क करें, दोनों में डिफरेंस बताना है। किसी बड़े इलाके में तवील अरसे तक, यानी 30 से 40 साल मौसमी हालात और तगैरात का मजमू आबो हवा कर, यानी आपने कहीं जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, तजुर्बा किया अपना, और 30 से 40 साल मौसमी हालात और वहाँ के तगैरात यानी चेंजेस का जो मजमू क्या होता है वो आबो हवा कहलाता है। किसी भी वक्त माहौल को खुश्क हालात को मौसम कहा जाता है। किसी भी वक्त माहौल की खुश्क हालात को मौसम कहा जाता है, ठीक है, जो माहौल की खुश्क हालत होती है उसको क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, मौसम की पेशन गोई से क्या मुराद है। मौसम की जो पेशन गोई होती है उससे क्या मुराद है। आने वाले मौसम की किसी भी तरीके से पेशन गोई, मौसम की पेशन गोई से मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। यानी मौसम की पेशन गोई से मुराद ये है कि जो आने वाले समय के बारे में हम बता देते हैं, जैसे आजकल गूगल है वो अपना जो है तुक्के लगाता रहता है कि भाई कल बारिश होगी, कल मौसम ऐसा होगा, कल ये ऐसा होगा। तो आने वाले मौसम के किसी भी तरीके से पेशगी, मौसम की पेशन गोई से मालूमात हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर देखें, आप किसी दिन पैदल सफ़र करने का इरादा रखते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि बारिश होगी या नहीं, आप कहीं पैदल जाना चाह रहे हैं और लेकिन आपको नहीं पता है उस दिन बारिश होगी या नहीं, आपने मंसूबों पर अमल करने में यकीन रख सकते हैं लेकिन आप नहीं जानते। अगर पहले से जानते होते आप तो फिर आप अपने जो बारिश के दिन है तो आप अपने मंसूबे पर अमल करने की यकीन रख सकते थे, फिर आप उसी हिसाब से चलते। इसी तरह एक मिसाल और लीजिए, किसान, मल्ला, हवा पार वगैरह, दूसरे लोग ये जानते हैं में दिलचस्पी लेते हैं कि आने वाला मौसम उनके फ़ायदे के लिए कैसा रहे। ये लोग भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब इस बारे में जानना चाहते हैं कि भाई आने, क्योंकि किसान हो, मल्ला हो, मल्ला वो होते हैं जो कश्ती वगैरह को पार लगाते हैं वो हों, या हवा बार हैं जो हवा के बारे में जानते हैं, वो ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि भाई आने वाला मौसम कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, तब्दीली मौसम में कैसी होगी, हवा कैसी होगी, इन सब चीज़ों को वो जानने में दिलचस्पी रखते हैं। इसी वजह से जो है मौसम की पेशन गोई से यही मुराद है। सवाल नंबर 4 है, मौसम और आबो हवा के मुख्तलिफ अज्जा की वजाहत करें। मौसम और आबो हवा की मुख्तलिफ अज्जा की आपको वजाहत करें। तो मुख्तलिफ अज्जा की वजाहत यही है कि दर्ज हरारत, हवा का दबाव, मौसम और आबो हवा में यही होता है, दर्ज हरारत पता करने में कितने डिग्री रहेगा, हवा का दबाव, हवा की कैसी स्पीड है, हवा, नमी और बारिश, आबो हवा के अहम अनासर, और इन सब चीज़ों के बारे में जानना भी जो है उसका जो है एक अहम हिस्सा होता है, ठीक है, अहम अनासर कहलाते हैं। आबो हवा के अहम अनासर जो एक दूसरे के साथ अमल करते हैं, और ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अमल करते हैं, मतलब अकेले नहीं करते, दोनों मिलते हैं। जब ये अनासर माहौलियाती हालात को मुतासर करते हैं, और ये जो अनासर होते हैं हमारे माहौलियाती हालात को क्या करते हैं, मुतासर करते हैं। इन अज्जा के मुख्तलिफ मकामात और औकात में मुख्तलिफ असरात होते हैं, अलग अलग
मकामात पर अलग, जैसे दिल्ली है तो यहाँ का माहौल अलग होगा, यहाँ पे जो है आबादी ज़्यादा है, पेड़ कम है, तो यहाँ का इन्वायरमेंट, आबो हवा, मौसम अलग होगा। आप किसी ठंडे इलाके में चले जाइए, कश्मीर चले जाइए, लद्दाख चले जाइए, वहाँ की आबादी कम है, वहाँ के इलाके खुले हुए हैं, वहाँ पे पहाड़ी इलाके ज़्यादा है, बर्फ़बारी ज़्यादा है, तो वहाँ के अलग मौसम होगा। ये असरात एक महदूद इलाके और मुख्तसर मुद्दत के लिए हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक मुख्तलिफ महदूद इलाके के लिए और मुख्तसर मुद्दत के लिए। मुख्तसर मुद्दत के लिए ये है कि भाई थोड़ी बहुत देर के लिए होते हैं, फिर उसके बाद क्या होते हैं, तब्दील हो जाते हैं। तो ये था भाई सबक नंबर आपका 13, जो कि मैंने आपको समझाया जोग्राफिया। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं, असाइनमेंट लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लेना चाहते हैं, हेल्प बुक लेना चाहते हैं, PDF फॉर्म में भी अवेलेबल है, मतलब आपके डायरेक्ट मोबाइल पर सेंड हो जाएगी। और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हमारे एड्रेस पर पहुँचा दो, तो आपके एड्रेस पर भी पहुँचा देंगे, ठीक है। आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, मेरा नंबर ये रहा 9136183233, ठीक है। आप हमारे सेंटर पे भी आके हमसे एडमिशन वगैरह भी करा सकते हैं, ठीक है। CBSE की भी और NIOS की भी, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, भारत में जितने भी बोर्ड हैं सभी की पढ़ाई होती है। शुक्रिया।